जय हो द्वारका नरेश। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से एंजल आंसर्स की भी हेल्प लेंगे, जिसमें से चार कार्ड लेंगे, ओरेकल में से भी चार कार्ड लेंगे और टैरो में से भी चार कार्ड। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, दो, तीन और ये चार। अब इस ओरेकल में से भी देखेंगे एक, दो, तीन और ये चार। एंजल आंसर्स में से देखेंगे एक, दो, तीन और ये चार। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफी ज्यादा प्यार के बारे में ये कार्ड कहता रहता है। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस, मूडी, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस, अ रोमांटिक एनकाउंटर, सोशल इनविटेशंस और इवेंट, हाइलाइटेड साइकिक एबिलिटीज, हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज। तो ये कार्ड जैसे बताता है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो चुके हैं ये, यानी कि इमोशंस को लेके काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, थोड़ा ड्रीमी नेचर भी बन गया है, प्यारे प्यारे जैसे रोमांटिक, यहाँ रहते हुए भी स्विट्जरलैंड की वादियों में खोए रहने जैसी बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मूडी भी बन चुके हैं ये पर्सन, और अपने मूड की वजह से शायद अपने दिल की बातों को ज्यादा दिल पे ले रहे हैं, रोमांटिक बातों के बारे में काफी ज्यादा सोचा जा रहा है। वक्त मिलने पर सोशल बटरफ्लाइज भी ये बनते रहते हैं, यानी कि अगर कोई सैटरडे संडे किसी फ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया है तो फ्रेंड में भी ये मिलते जुलते रहते हैं और अपना वक्त जो है वो हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा ये डालते रहते हैं, यानी कि इन्हें जिंदगी में काफी ज्यादा फन चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अपने दिल की खुशी जहां उन्हें ले चले उस दिशा में ये जाते रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लेके कुछ बातें सीरियसली ये सोच रहे हैं या सोच रही है, क्योंकि ये उनके दिल के जुड़ी, उनके जज्बात उनसे जुड़ी बातें हैं, यानी कि आपके साथ काफी ज्यादा रोमांटिक ये और ज्यादा होना चाहते हैं या उस बात को लेके सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। डू व्हाट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स, बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सलेंट रेपुटेशन। तो जैसे यहाँ पे ये मेहनत कर रही है, कुछ ऐसा बना रही है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, वैसे ही आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके इस दिशा में जाना चाहते हैं, जहाँ पे शायद कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब कुछ लोगों ने आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, या पर्सन, ये जो पर्सन है जो सोशल बटरफ्लाई होता रहता है या होती रहती है, वो कभी किसी से सच्चे दिल से प्यार करेगा या करेगी, इस तरह की भी बातें शायद किसी ने सोची नहीं थी। लेकिन जैसे यहाँ पे कार्ड बता रहा है डू वॉट यू लव, तो वो वही कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो करके उन्हें सच्चे दिल से खुशी मिले, यानी कि जैसे हमारा टॉपिक है कि आपके बारे में कोई फैसला ले चुके हैं ये पर्सन जिंदगी को लेके, तो यहाँ पे ये कार्ड वही बताता है कि अगर उन्हें लगता है कि आपसे ही उनकी खुशियां जुड़ी है या फिर आपके साथ जाना ही उनके दिल के लिए सही है, तो वो वही करेंगे जिससे उन्हें सच्चे दिल से खुशी मिलती है, और उसके लिए वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क भी करने को तैयार है, यानी कि मेहनत वगैरह करके अगर आपको हासिल करना है तो वो बातें भी शायद वो करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब अपने बलबूते पे कुछ कर दिखाना है, इस तरह की बातें हैं, स्पेशली लव को लेके, यानी कि आपको पाने को लेके तो सीरियस है ही।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में से ये घोड़ा आगे की तरफ दौड़ रहा है, ऊपर से जो पर्सन है उसने हाथ में कप लिया है, कप में जो भी उसने रखा था वो ड्रिंक छलक रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है वो ओवरफ्लो होए जा रहे हैं आपसे जुड़े जज्बातों को लेके। यहाँ पे भी हमने देखा ये जो कप है वो छलक रहा है, इतना ज्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। रोमांटिक, फ्लर्टिशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉल इन लव, बींग स्विफ्ट ऑफ योर फीट, अ सडन लव अफेयर, लैक ऑफ बैलेंस इन रिलेशनशिप, सिचुएशन और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, अ लव ऑफ आर्ट और पोएट्री। यहाँ पे भी आर्ट की बातें आ रही हैं, पोएट्री की भी बातें। तो जैसे कहते हैं ना, काफी ज्यादा शायराना अंदाज में ये पर्सन आपको लेके सोचने लगे या सोचने लगी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रोमांटिक वो बन रहे हैं, फ्लर्टिशियस ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आजकल उनकी अगर कुछ मैसेजेस आते हैं या बातें होती है तो भी थोड़ा सा आपको लगता होगा कि कहीं ये पर्सन फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, और ये ऐसा एनर्जी में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा रोमांटिक बातों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है लैक ऑफ बैलेंस इन रिलेशनशिप, यानी कि आपकी तरफ से भी इसी तरह का प्यार वो एक्सपेक्ट करते हैं या करती हैं, और जिसके लिए ये अपनी तरफ से तो आगे बढ़ने को तैयार है, अपनी लव स्टोरी को एक अलग अंदाज में आगे बढ़ने को लेके वो सोच रहे हैं। काफी ज्यादा पोएट्री, यानी कि अगर अकेलेपन में कभी बैठते हैं तो भी शायद आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में आता है, तो भी शायद कुछ गाना वगैरह सुनते रहते होंगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इनका मूड रोमांटिक होता चला जा रहा है, और ये अपनी दिल के ऊपर काफी ज्यादा बातें ले रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ये घोड़ा है, ये उसी दिशा में आगे दौड़ेगा जहाँ पे ये पर्सन उसको ले जाएगा, और ये पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कप को लेके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग अ मेंटर, अटेंशन टू डिटेल, स्किल्ड वर्क दैट यू लव। यहाँ पे भी अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं। पेंटेकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, फैमिली को और पैसों को। तो जैसे यहाँ पे स्किल्ड वर्क दैट यू लव, जो करना उन्हें दिल के मतलब उनके दिल को अच्छा लगता है वही शायद करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि कुछ लोग अगर अपने मनचाहे जॉब को लेके काम नहीं कर रहे थे तो हो सकता है ये पर्सन जॉब या करियर भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ अगर 9 to 5 ऐसे जॉब में थे तो शायद वो बिजनेस वगैरह करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं जिंदगी में। इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से जिएंगे तभी कुछ रह पाएंगे, और ये बात सही भी होती है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वक्त ही नहीं मिलता, और ऐसे जिंदगी जीते हैं कि सैलरी तो मंथ एंड में हाथ में पड़ती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से सोचे कि इस महीने मुझे हैप्पीनेस क्या मिला, तो एहसास होता है कि वो लम्हे तो हम जी ही नहीं पाए जिनके लिए हम ये पैसा कमाने के लिए भाग रहे थे या दौड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं होता जिंदगी के लिए, लेकिन जब मनचाहा काम हम करते हैं या फिर पैसों की भी कद्र करते हैं, अपने रिश्तों की भी कद्र करते हैं और उनके लिए भी वक्त निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें वो खुशियां मिलती हैं जिनका हम सच्चे दिल से इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे भी बात हो रही है ये पर्सन अपने प्यार को पाने को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करने को भी तैयार है। यानी कि अगर आपको मनाना है, आपके घर वालों को मनाना है, इनके घर वालों को मनाना है, तो उसके ऊपर भी ये काम करने को तैयार है। अब देखते हैं बाकी के ओरेकल्स हमें क्या कहते हैं। मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। जैसे इस पर्सन के हाथ में एक चिराग है और इसको लग रहा है कि कुछ जादू होने वाला है, वैसे ही आपके पर्सन जिंदगी में मिरेकल चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ उनकी जिंदगी में मिरेकल चल रहा है क्योंकि उन्हें आप मिल चुके हैं, और इस मिरेकल को लेके वो काफी ज्यादा सोच रहे हैं या सोच रही है, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जादुई दुनिया में वो जी रहे हैं या जी रही है, जहाँ पे सपनों की दुनिया है, जैसे यहाँ से चिराग से जिन निकलेगा वो उनकी हर एक विश पूरी करेगा, वैसे ही खोए खोए से रह रहे हैं, और काफी ज्यादा अगर आपके प्यार में खोए हुए हैं तो उन्हें ये एहसास भी नहीं है कि जिंदगी उन्हें कहाँ पे ले जा रही है, इतने ज्यादा ख्याली गुलाम में वो खुद को खोए हुए हैं। नेक्स्ट है अनकवरिंग ट्रेजर्स, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो जैसे यहाँ पे ड्रैगन को तो पता नहीं है कि इस बॉक्स में क्या है, लेकिन वो देख रहा है,
तो कुछ उसको खजाना मिल चुका है। वैसे ही आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि आपको पाने की वजह या फिर आपके प्यार की वजह से उन्हें एक ऐसा खजाना मिल चुका है जो उनके लिए पेश कीमती है। और ऑब्वियसली प्यार तो बहुत कीमती होता है, हर किसी के नसीब में सच्चा प्यार नहीं होता। और इस पर्सन को अगर एहसास हो चुका है कि आपकी वजह से इनको सच्चा प्यार मिला है, तो उनके लिए ये खजाने से कम कोई थोड़ी ना बात है, और इस बात को लेके वो काफी ज्यादा खुश है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो जैसे यहाँ पे भी ये बैठी हुई है और कुछ सोच रही है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो खोए खोए से रह रहे हैं, काफी ज्यादा ख्यालों में रहते हैं और अपने करियर को लेके भी शायद सोच रहे हैं, जिंदगी की जर्नी को लेके भी सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो आराम से तभी सांस ले पाते हैं जब आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग में आते हैं। और यही तो बात होती है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेते ही हम कुछ भी सोच नहीं पाते, सिर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं इस पर्सन का ख्याल मेरे दिलो दिमाग में क्यों आ रहा है। तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, आपका ख्याल उनको एक सुकून दिलाता है और यही सुकून भरी जिंदगी वो हमेशा के लिए जीना चाहते, शायद इसलिए आपके लिए इतना हार्ड वर्क करने को तैयार है। और फाइनल कार्ड है एम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी है, उसको पता नहीं है कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे उसका मन चाहा फूड है उसको ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ने को तैयार है और अपनी एनर्जी लगाने को तैयार है। वैसे ही आपके पर्सन को नहीं पता कि आगे के रास्ते की जो जिंदगी है वो उन्हें कहाँ पे ले जाने वाली है, लेकिन इस रास्ते पे चलते हुए वो अपनी मर्जी चलाते हुए ही आगे बढ़ना चाहते है। जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि ये घोड़े पे सवार है, हाथ में कप है, वैसे ही आपके पर्सन आपका साथ अगर उनके साथ है तो उन्हें लगता है कि ये रास्ता जो है जिंदगी का आगे का वो उनके लिए आसान हो जाएगा, या फिर उनको अब उतनी फिक्र नहीं होती उस रास्ते की अगर आपका साथ उनके साथ है। तो अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, एंजल ओरेकल हमें क्या बताते हैं। लेट गो, कुछ बातें जो उनके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा शायद उनको सता रही थी, मतलब करियर को लेके हो या फिर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या करना नहीं करना चाहिए, उन बातों को लेट गो करना इस पर्सन ने सीख लिया है। मतलब कई बार हम हालात के ऊपर काबू करने की कोशिश करते रहते हैं और वो नहीं हो पाता तब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे अगर बात हो रही थी, यानी कि काफी ज्यादा सोच सोच के ये परेशान हो रहे थे, तो अब ये जिंदगी के साथ गो विद द फ्लो जीना सीख रहे हैं या सीख रही है, यानी कि लेट गो करना अब इन्हें आ रहा है। अगर कोई नहीं मान रहा, उसकी खुशी मेरी खुशियों से नहीं जुड़ी है, चलो लेट गो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की एनर्जी में है। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि अगर फैमिली मान रही है तो ठीक है, अगर नहीं मान रही तो लेट गो करने को भी तैयार है कि चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी ना तो ना सही, लेकिन मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा या चलाऊंगी। नेक्स्ट है एस, तो शायद किसी के यस के इंतजार कर रहे, यानी कि घर वालों से शायद ये हाँ सुनना चाहते है या सुनने के लिए बेचैन हो रहे, या फिर आपकी तरफ से ये हाँ सुनना चाहते कि हाँ जिंदगी में आगे बढ़ना है तुम्हारे साथ, तो इस यस को लेके काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, या फिर कोई ऐसा रोमांटिक उनके दिलो दिमाग में ख्याल चल रहा है जिसके बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ आप उनको हाँ ही कहेंगे या कहेंगे। नेक्स्ट है नो नीड टू वरी, यहाँ पे एंजल्स भी उनको यही बता रहे हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जब हमें पता होता है कि जिंदगी यू न त्यो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना ही है, यानी कि हम जैसा भी चाहे हर एक दिन हमारी मर्जी से हम नहीं बिता पाते, उसमें काफी सारे मूड स्विंग्स होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, हर एक दिन हमारी जिंदगी का सिमिलर नहीं होता, फिर ऐसे में हम बेवजह फिक्र करते रहते हैं कि पता नहीं मेरे रिश्ते का क्या होगा, पता नहीं मेरे जिंदगी का क्या होगा, पता नहीं पैसों का क्या होगा, पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं, इस बात को लेके इस पर्सन ने लेट गो करना सीख लिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें लगता है कि फिक्र करने वाली जैसे कोई बात ही नहीं है जिंदगी में उनके, क्योंकि उन्हें आपके प्यार के ऊपर भरोसा है। और फाइनल कार्ड है रिमेनिंग पॉजिटिव, ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो के इस रिश्ते को भी सोच रहे हैं और जिंदगी में आपके साथ बढ़ना ही है, इस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, यानी कि उन्हें यही महसूस होता है अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी को वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मुझे तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं, घर वाले मान जाएंगे, इस बात के ऊपर भी शायद उनको भरोसा है क्योंकि ये यस कार्ड भी आया था कि हाँ फाइनली वो कभी ना कभी तो मान जाएंगे, या फिर उन्हें लगता है कि हाँ मुझे जो पाना है वो मुझे मिल चुका है या मिलेगा, यस इस बात के बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।